राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए वैलेंटाइंस डे 14 फेब 2020 कैसा रहेगा, इसके लिए बात करते हैं। मुश्किल है प्रेम को समझना, लेकिन अगर ये डूबे तो कहाँ जाएंगे। लियो राशि, लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रेम को समझना मुश्किल होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, और ये इनके लिए 14 फेब 2020 का जो दिन है कैसा रहेगा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहां से। तो लियो यानी कि लियो जो है वो एक लीडरशिप वाली राशि है। अब इनकी जिंदगी में क्या है कि भाई सब जो भी कुछ होना चाहिए वो ग्रैंड लेवल पे होना चाहिए, चोरी छुपे कोई काम नहीं करते। प्रेम भी करेंगे तो खुल के करेंगे, नफरत करेंगे तो खुल के करेंगे, लेकिन एक स्टेज पर होना चाहिए। ये चाहते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई रहे, हाईली विजिबल। लेकिन जब विजिबिलिटी और एक्सपोजर दोनों आते हैं किसी भी चीज में इनकी लाइफ में, और इनको समझ नहीं आता है कई बार कि इसको कैसे संभालें, उसमें चीजें जो है वो फैलने लगती हैं। तो अब जैसा कि स्टेज पर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दुनिया के स्पेक्टिकल्स में हो रहा है, कई बार क्या होता है कि लाइफ की डेप्थ नहीं होती। अगर आप लियो हैं, लीडर हैं, लेकिन अगर आप बच्चे हैं, आपकी उम्र 16, 19, 20, 25 साल है, आप लियो हैं लेकिन आप में डेप्थ नहीं है किसी चीज को संभालने की, और ये अपने से बड़ी उम्र के लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनको जो मैच्योरिटी लेवल चाहिए वो मैच्योरिटी लेवल इनके अपने एज ग्रुप में नहीं मिलता है इनको। या तो एक सिंह दूसरे सिंह को दे सकता है, या फिर एक लियो को कन्या समझ सकती है। इस साल में इस वैलेंटाइंस डे पर भी ये इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए, कोई पार्टनर नहीं आया या कोई नहीं आ रहा है या ये है वो है, लेकिन इनके संबंध बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होते। लेकिन अगर एक बार का अगर कोई संबंध बनता है तो ये पूरा उसको अपनी तरफ से, जो भी इनकी तरफ से एक ध्यान या अटेंशन कुछ हो सकता है, ये पूरा देते हैं उसको। लेकिन इस साल 2020 में कुछ एक अनयूजुअल चीजें आपके साथ में होने जा रही है। कोई एक पार्टनर मिलेगा जो आपको आपके टक्कर देगा आपको, और आप देखेंगे लोग बाग आपसे आकर्षित होंगे आपकी एक क्वालिटी की वजह से। इस 2020 के अंदर आपकी तरफ जो आकर्षित होंगे लोग बाग, वो आपकी एक क्वालिटी की वजह से। और वो क्वालिटी क्या है कि सब कुछ दुनिया में आग लगी पड़ी है, सब कुछ केओस है, सब कुछ मैस है, लेकिन अगर एक कोई आदमी शांत है इस पूरे दौरान तो वो लियो है। लियो अपने आप को साबित करता है, सिंह राशि वाले अपने आप को साबित करते हैं हर जगह पे, हर मोमेंट पे, और वो ये बोलते हैं कि हम यहां पर हैं तो आप सेफ हैं। और यही चीज है कि बहुत सारे डिपेंडेंट्स को उनकी तरफ लेकर के आती है। लियो को पता है कि डिपेंडेंट्स को कैसे संभालना है, इसी चक्कर में कई बार वो प्रेम को समझते भी नहीं है। सामने वाला उनके साथ में प्रेम में है, मगर वो एक पावर के पीछे है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर, मुश्किल है प्रेम को समझना, लेकिन अगर ये डूबे तो। अगर लियो राशि वाला अगर किसी प्रेम में डूब गया तो क्या होगा, वहां पे वो बड़े बड़े विशाल युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ेगा क्योंकि उसको प्रेम को पाना है। जब एक प्रेम को समझने लगता है लियो राशि वाला, तो वो उस पर अपना सब कुछ भी दांव पे लगा देता है। इनके लिए आन बान शान और पब्लिक का व्यू यही सब कुछ है।
2020 में वैलेंटाइंस डे पर भी कुछ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आपकी तरफ जो भी आकर्षित हैं, आप उस तरीके से जिनको बोलते हैं ना ट्रॉफी वाइफ, ट्रॉफी पार्टनर, वो आपको इस साल मिलेगा। और बहुत सारे आप लोग आ गए, आपकी जिंदगी इस साल 2020 एक बहुत ही एक सही धर्रे पर जाएगी, एक बहुत ही शानदार तरीके से धीमे धीमे आप चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लियो राशि वाले खुद को भी प्रेम करते हैं, खुद का सम्मान करते हैं और खुद को प्रेम करते हैं, इसलिए वो दूसरों को प्रेम और सम्मान दे पाते हैं। खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा एलिवेटेड होती है उनकी लाइफ में, और वो समझते हैं कि प्रेम एक किस प्रकार से दिया जाता है। सौदेबाजी की स्थिति में नहीं होते वो करना भी नहीं चाहते और ना ही कभी करेंगे। प्रेम में सौदा लियो राशि वाले कभी नहीं करेंगे, जो जनता कर रही होगी वो ये कभी नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा, अच्छा ये साल आपको देता फल देता हुआ चला जाएगा। और लियो राशि वाले जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनके बच्चे हैं, या जिनकी वाइफ है, या जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो इस दिन को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बना देंगे, अपने स्टाइल में काम करेंगे ये बिल्कुल हर तरीके से, कि भाई ये इंतज़ाम वो इंतज़ाम करना है, और यहाँ से ये लेके आना है, वहाँ से वो लेके आना है। ओके, सारा इंतज़ाम करने के बाद में अगर आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड लियो हैं या आपकी गर्लफ्रेंड लियो हैं, आप उनको दे दीजिए सारा काम धाम, और आप बिल्कुल आप चैन की नींद आप सो सकते हैं। हर काम परफेक्ट भले ही ना हो, परफेक्शन की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन काम अवश्य होगा और पूरे पब्लिक स्पेक्टिकल के बीच होगा, ये एक आप एक नोटिस करेंगे। बहुत सारे आइडियाज हैं इनके पास, भले ही आइडियाज परफेक्ट ना हो, भले ही आइडियाज बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हो, लेकिन आइडियाज की कमी नहीं है, लीड लेने से पीछे नहीं घबराते, और ये प्रेम में भी लीड लेंगे। ओके, और ये साबित करते हैं कि वो लीडर हैं, जो डरते नहीं है किसी से, और ना ही कभी चापलूसी करते हुए मिलेंगे आपको। ओके, चापलूसी करने वाले और लोग भाग होते हैं बट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा, 2021 भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। लेकिन इस साल वैलेंटाइन डे पर आप अपने पार्टनर, आप अपने मित्रों और उनके साथ में आप एंजॉय कीजिए। अगर आप अभी भी कब वाली स्थिति में हैं, मतलब अभी भी आप 16, 19, 20, 21 साल की स्थिति में हैं, आपको जल्दी किसी चीज़ की नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, आपको अपने मैच का सोलमेट अवश्य मिलेगा। बहुत ही कम लियो ऐसे होते हैं जो एकाकी जीवन बिताते हैं। जनरली लियो जो है वो पॉलिटिक्स और पावर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और उनके लिए जो पार्टनर्स आते हैं या जो उनके लिए सोलमेट आते हैं वो भी पावरफुल होते हैं, वो भी एक तरीके से स्थिति को संभाल पाने की के लिए बिल्कुल काबिल होते हैं। 2020 का वैलेंटाइंस डे का दिन आपके लिए मिक्स्ड दिन रहेगा, भले ही पार्टनर ना हो लेकिन आप छाए रहेंगे। और अगर कोई मेरिट पे चुनाव होना होता कभी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का, तो सबसे ज्यादा आप लोग वाग आगे रहते, क्योंकि नोबडी कैन बीट अ लियो इन दिस शाइन। शाइन भले ही ना हो लेकिन बेसिकली एक तरीके से वैलोर पूरा है, योद्धा योद्धापनेस या योद्धापन पूरा बिल्कुल बना रहेगा। 2020 का ये वैलेंटाइंस डे का दिन आपके लिए शानदार रहे। हालांकि मुश्किल है प्रेम को समझना आपके लिए, लेकिन अगर आप समझ गए, लेकिन अगर आप डूब गए तो आप किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन सामाजिक मर्यादाएं और प्रेम की मर्यादाओं में ही रहेंगे आप। ओके, अच्छे इंसान बने, और जो भी हमारे आसपास हो रहा है उनसे आप सीख लें, एक अच्छा उदाहरण पेश करें। ओके, अच्छे इंसान बने। इसी के साथ, इसी कामना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ 14 February 2020 वैलेंटाइंस डे की। मे यू हैव अ वेरी नाइस डे एंड एंजॉय
and God bless you. All right then, bye bye.